तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो फैन कोड ईसीएस टी10 लीग खेली जा रही है, इसका भाई जो आज के दिन का पहला मैच और भाई ये पहला सेमीफाइनल मैच है जो कि खेला जाएगा मार्स्टा वर्सेज बोट कायरका के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए भाई बात करते हैं मैच के बारे में। तो पहला मैच यहाँ पर पहला सेमीफाइनल मैच है जो खेला जाएगा मार्स्टा वर्सेज बोट कायरका के बीच में। बात करेंगे डेट की, तो भाई डेट आज की रहने वाली यानी कि भाई 28 मई को ये मैच खेला जाएगा। टाइमिंग की बात करें तो अब से लगभग 3 घंटे 30 मिनट बाद मैच खेला जाना है यानी कि भाई दोपहर को 12:30 पर मैच खेला जाएगा, अभी 9 बज गए हैं। वहीं अगर बात करें वेन्यू की तो आप देख सकते हो नोसबोर्ग क्रिकेट ग्राउंड स्टॉकहोम स्वीडन में मैच होने वाला है और पूरी की पूरी लीग यहीं पर खेली गई है और ये मैच भाई यहीं पर खेला जाना है। वहीं अगर बात करें पिच रिपोर्ट की तो अच्छी खासी बैलेंस विकेट और बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प है। यहाँ पर 70% विकेट है ना वो फास्ट बॉलर्स ने निकाले हैं। वहीं अगर कल के रिजल्ट्स की बात करें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर रिजल्ट देख सकते हो। कल भाई 3 मैच मैंने कवर किए थे, लास्ट वाला क्वार्टर फाइनल मैच मैंने कवर नहीं किया था जो कि 6:30 पर था शाम को। इसके अलावा जो 3 मैच मैंने कवर किए थे तीनों के तीनों मैच आपको अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप बना के दिए थे, आप जाकर रिजल्ट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर चेक कर सकते हो। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी भाई पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हो, वो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जो भी मेरी फाइनल टीम होगी, जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी वो मिलेगी भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, या फिर वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में आप लिंक देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर भाई आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, अब आपको जाके सीधा ज्वाइन कर लेना है डिस्क्रिप्शन या फिर वीडियो के फर्स्ट कमेंट से। वहीं अगर बात करें वेन्यू के रिकॉर्ड्स की तो ये आपके सामने भाई यहाँ पर आप देख सकते हो जो टोटल मैचेस अभी तक खेले गए इस टूर्नामेंट के 44 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। 24 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और भाई 20 मैच बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने। तो यहाँ पर स्लाइटली एडवांटेज रहेगा बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को, हालांकि ज़्यादा नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत एडवांटेज जरूर यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को रहेगा। एवरेज स्कोर की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर भाई 97-120 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। वेदर की बात करें तो वेदर भाई बिल्कुल क्लियर रहेगा, बारिश के चांसेस ना के बराबर रहने वाले हैं। अब अगर बात करें मास्टा की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के स्टैट्स की, लेकिन उससे पहले भाई बात कर लेते हैं टीम की परफॉर्मेंस की। सिर्फ एक मैच ऐसा आया था जिसमें भाई मास्टा की टीम को हार का सामना करना पड़ा था, इसके अलावा लगातार विनिंग के ट्रैक पर और लगातार जीतती आई है। ठीक है, वहीं अगर बात करें वकास हैदर की तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 मैच में तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। यहां पर आप देख सकते हो 1 मैच में 41 रन, 1 मैच में 42 रन, 1 मैच में 33 रन, गजब के प्लेयर हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मतलब हार्ड हिटिंग करके खेलता है, तो अगर एक बार मान लो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो एक बार अगर सेट हो गया तो भाई 70-80 की भी नोक आपको खेल कर दे सकता है। तो आप इसे जीएल मिनी जीएल में कैप्टन जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा, स्मॉलिंग में एज ए प्लेयर आपकी टीम में रहेगा। इनके साथ इनके ही ओपनर भाई इनसे भी खतरनाक है, शेर अली 37 रन बनाए भाई, मतलब इन्होंने जितने मैच खेले सभी के स्टेट्स आपके सामने भाई। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्मेंस आई है, कोई एक आधा मैच ही है जैसे कि यहाँ पर ये दूसरा मैच जिसमें पूरी तरीके से फ्लोप रहे हैं। यहाँ पर देखिए 37 रन प्लस 2 विकेट यहाँ पर भाई फ्लोप रहे, इसके बाद 28 रन प्लस 1 विकेट, उसके बाद भाई 59 रन प्लस विकेट लेस 22 रन यहाँ पर बनाए भाई, यहाँ पर रन सिर्फ 7 बनाए लेकिन विकेट निकाल के ले गए। यहाँ पर 36 रन प्लस 1 विकेट, मतलब हर मैच में गजब की परफॉर्मेंस, सीवीसी का सबसे बेहतरीन और सेफ चॉइस आपके लिए रहेगा। हामिद सुलेरी भी भाई यहाँ पर अब लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए भाई 11 रन प्लस 2 विकेट इन्होंने निकाले। यहाँ पर लास्ट मैच की बात करें तो भाई बॉलिंग करवाई नहीं गई, सिर्फ 5 रन इन्होंने बनाए थे। यहाँ पर अगर देखें तो आप देख सकते हो मस्ट पिक प्लेयर आपके लिए रहने वाला है। अभी मुल्ला की बात करें तो ये सिर्फ देखिए 3-4 मैच में बैटिंग आई, उसमें से भाई 1 मैच में यहाँ पर 38 रन की नौका ही है, 4 नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हैं। बाकी अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। आसिफ लोन की भी भाई यही कहानी रही है, यहाँ पर कभी बॉलिंग करवाने आते कभी नहीं आते, तो अगर आपके ऊपर रहेगा आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो या फिर ड्रॉप कर सकते हो। शाहिद मुस्तफ़ा भाई 1 मैच में अच्छी खासी नोक खेले थे, यहाँ पर 53 रन की, उसके अलावा पूरी तरीके से फ्लोप रहे हैं। फहद वकास की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मैच में बैटिंग बॉलिंग की है, उसमें भाई यहाँ पर इन्होंने 2 विकेट निकाले हैं। वहीं अगर बात करें सोहेल खान की तो आपके सामने भाई यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट मैच में विकेट लेस गए, इसके अलावा लास्ट सेकेंड लास्ट मैच में विकेट लेस गए लेकिन
लेकिन उससे पहले भाई दो मैच में चार विकेट निकाल रखे हैं। अजमल राजा की बात करेंगे तो भाई कल के जो लास्ट मैच हुआ था उसमें भाई दो विकेट इन्होंने निकाले थे। अरसलान अत्ता ने भाई एक विकेट निकाला था। इस्लाम अली ने दो ओवर में एक मेडिन ओवर डालते हुए एक विकेट निकाला था। इसके अलावा कंबर शायद खेले नहीं थे। वहीं अगर बात करें जुल्फिकर अली की तो ये भी भाई यहाँ से कुछ खास नहीं कर पाए अभी तक। बेंच प्लेयर्स की बात करें तो वो आपके सामने, इनमें से अगर कोई खेलता है तो आप ट्राई जरूर से कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ से अगर मस्ट पिक प्लेयर मैं आपको मार्क करके बताऊँ तो यानी कि पिक करके बताऊँ तो आप देख सकते हो वकास हैदर, शेर अली और यहाँ से हामिद सुलेरी, तीन प्लेयर तो आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गए। नीचे आके भाई अजमल राजा, अरसलन अत्ता और इस्लाम अली, ठीक है। इन दो तीन में से किन्हीं दो को आप ट्राई कर सकते हो, तीनों को भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये छह प्लेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी अगर एक आधा प्लेयर आप अगर अपने हिसाब से ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बोट कायरका की टीम की बात करें तो भाई तीन मैच हार के आ रहे हैं, इसके अलावा भाई यहां पर छह मैच विन करके आ रहे हैं, ठीक है। इनके भाई ओपनर जो रहेंगे ताहिर तरार और सनी ख्वाजा, यहां पर भाई ताहिर तरार और सनी ख्वाजा मोस्टली ओपनिंग करते हैं, या फिर जीशान महमूद भी आपको बीच बीच में कभी कभी ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। यहां पर अगर बात करें तो लास्ट मैच में आप देखिए ताहिर तरार जो हमारे वीसी थे 37 रन बनाए प्लस एक विकेट निकाली दो ओवर में, जीशान महमूद जो हमारे कैप्टन थे 32 रन बनाए प्लस एक विकेट निकाले दो ओवर में, सनी ख्वाजा भाई बहुत ही तगड़ा ताबड़तोड़ हार्ड हिटिंग इन फॉर्म बैट्समैन है, हालांकि लास्ट मैच में दो रन बना पाया, अदरवाइज भाई लगातार अच्छी परफॉर्मेंस आपको करके दे देगा। बात करेंगे अहमद जुल्फिकर की तो भाई आप देख सकते हो 17 रन इन्होंने बनाए, कल पहला ही मैच खेला था। गुरपाल रंधावा ने भाई यहाँ पर एक ही रन बनाया तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। मोहम्मद अशफाक की बात करें तो भाई दो मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई है। ओसामा कुरैशी ने यहाँ पर एक विकेट निकाला लास्ट मैच में। हयात ईस्ट सिम की बात करें तो टीम में थे बट बैटिंग बॉलिंग कुछ भी नहीं की। आसिफ खान ने कल तीन विकेट निकाले। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर बात करें फैजल मुश्ताक, कल का ही मैच खेला था भाई, दो विकेट इन्होंने निकाले। असद इकबाल चार मैच में, इनके ओवरऑल स्टेट्स भी कुछ नहीं है और कल का जो मैच खेला था उसमें भाई इनका टीम ने ज़्यादा यूज नहीं किया, कुछ भी मतलब खास परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं आई, पूरी तरीके से बैटिंग बॉलिंग नहीं करवा पाई। यहाँ पर अगर बात करें बेंच पर जो प्लेयर है वो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर इनमें से कोई खेलता तो भाई आपको मैं ज़रूर से टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपके लिए जो मस्ट पिक प्लेयर मैं मार्क करूँ तो यहाँ से भाई देखिए मेरे हिसाब से सनी ख्वाजा को आप मस्ट पिक में रखिए अभी, तो सनी ख्वाजा अगर आपके मस्ट पिक में रहेंगे टॉप थ्री या फिर सनी ख्वाजा और अहमद जुल्फिकर में से किन्हीं एक को ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये चार में से तीन प्लेयर आपको ट्राई करने हैं। नीचे अगर आप आते हो तो भाई यहाँ पर आपके लिए ओसामा कुरैशी मस्ट पिक प्लेयर, इसके बाद भाई यहाँ पर आसिफ खान आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर, फैजल मुश्ताक इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो इन तीन में से किन्हीं दो को आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम के बारे में। अगेन मैं आपको बता दूं डेमो टीम दोस्तों मैं आपको अभी बना के दे रहा हूँ, फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल भाई जरूर से आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पर डेमो टीम के बारे में। तो सबसे पहले भाई बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन की, यहाँ पर भाई आपके लिए सनी ख्वाजा मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एस मुस्तफा को आप ट्राई कर सकते हो बट मैं 100% आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ट्राई ना ही करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मुझे कोई मतलब ऐसा नहीं प्लेयर अच्छा नहीं है बट बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। यहां से अगर बात करें तो वकास हैदर मस्ट हैव पिक रहेगा, इवन सीबीसी का भी चॉइस आपके लिए रहने वाला है जीएल में, ठीक है। अहमद जुल्फिकर को आप ट्राई कर सकते हो, गुरपाल रंधावा को आप ट्राई कर सकते हो, या फिर भाई यहाँ से फहद वकास को आप ट्राई कर सकते हो, आसिफ लोन, इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें अवीम उल्ला, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन भाई यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में देखें सच पूछो तो ज़्यादा कुछ अच्छे प्लेयर दिख नहीं रहे। मैं ऐसे गुरपाल रंधावा के साथ जा रहा हूँ, रीज़न क्या है कि थोड़ी बहुत भाई बीच बीच में बॉलिंग भी कर रहा है। यहाँ से शेर अली, जीशान महमूद, मोहम्मद तरार तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके बाद भाई यहाँ से हामिद सुलेरी को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ, ठीक है। ये चार यहाँ से मस्ट पिक प्लेयर हो गए। अब बॉलिंग सेक्शन भाई हमारे पास दिक्कतें आने ही आने वाले हैं, यहाँ पर भाई जो इस्लाम अली है इसको चलो हमने ट्राई कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से भाई ये राजा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हालांकि हम ट्राई नहीं कर पाएंगे तो चलिए क्या कर सकते भाई ड्रॉप करना पड़ेगा। ओसामा कुरैशी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आसिफ खान और यहाँ से भाई अरसलन अत्ता, इनमें से किसी एक को आपको ट्राई करना, मैं अभी के लिए अरसलन अत्ता के साथ जा रहा हूँ। फाइनल टीम में हो सकता है भाई मैं आसिफ खान को भी ले लूँ या कोई और भी चेंजमेंट आपको देखने को मिले तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब यहाँ से कैप्टन वीसी की बात करें
तो ऐसे कैप्टनसी के तीन आपके लिए, तीन या चार, ये जो चारों ऑलराउंडर ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन चारों में से किन्हीं भी दो को आप दे सकते हो। मेरे जो फाइनल CVC रहेंगे वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। अभी के लिए मैं जीशान महमूद को VC और शेयर अली को कैप्टन देके चल रहा हूँ। टीम आप यहाँ से देख सकते हो, ऑलमोस्ट भाई मेरी फाइनल टीम है। बाकी चेंजेज अगर इसमें कुछ होते हैं तो वो भाई आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिल ही जाएगी। साथ ही साथ जो ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर होगा वो भी बता दूंगा। इसके अलावा ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर के अलावा जो भी भाई यहाँ पर चेंजेज होंगे, बॉलिंग में कौन कहाँ पर क्या करेगा, सारी चीज़ें टेलीग्राम पर हम डिस्कस कर लेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भाई अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि भाई अगर वो भी फैंटेसी फील्ड में आना चाहते हैं या फैंटेसी खेल रहे हैं तो भाई उनका भी प्रॉफिट लगातार बनता रहे। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।